असल रहीम वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे आज हम लोग एम कॉलेज फॉर वुमेन प्रीलीम एग्जामिनेशन 2023 केमिस्ट्री पेपर को देखेंगे और इसके देखेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं ठीक है मैंने अपने चैनल के अंदर ऑलरेडी केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं साथ साथ फिज़िक्स मैथमेटिक्स तमाम के आपको टारगेट पेपर्स भी प्रोवाइड कर दिए आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं तो चले आज हम पी कॉलेज के के पेपर्स देख लेते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं ठीक है तो में के अंदर पास क्या है? तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी देख लेते हैं, देख लेते हैं. इसके क्या लिखा पहला सवाल जो बनकर के आया है इस पेपर के अंदर वो क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं तो कैलकुलेट करना आपने फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो जो आपके पास डेटा दिया हुआ है उससे आपने बताना है आपने इंथेल्पी फॉर्मेशन को करना है ठीक है उसके बाद कुछ रिएक्शन दिया हुआ है इसको पूरा कैलकुलेट करना है एज के पास न्यूमेरिकल टाइप का है फिर उसके बाद पार्ट टू में क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है आपके पास के स्टेट द लॉ एंड ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने स्टेट करना है ठीक है रोल लॉ को एंड ड्राइव करना है इसके मैथेमेटिकल एक्सप्रेशन को फिर आपने देखा द रिएक्शन टू एन ओ प्लस सी एल टू ठीक है रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट आया टू एन ओ सी एल वीडियो एट

रीज़निंग क्वेश्चन दिया हुआ है रीजन ऑफ फ्लोइंग। वॉटर स्पिल ऑन द फ्लोर एवोपरेट फास्टर दैन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन कंटेनर क्यों फ्लोर में ज्यादा स्पीड से क्या होता है आपके पास वाटर एवपरेट होता है एस कंपेयर टू कंटेनर लिक्विड कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ गैस सेस डू तो ये आपने बताना है उसके बाद आपके पास छठा सवाल जो है उसमें लिखा हुआ एक्सप्लेन वाई डायमंड इज नॉन नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्राफाइट अ कंडक्टर आपने बताना है क्यों इन दोनों का रीजन बताना है डिफाइंड अ फ्लोइंग ट्रम एलोट्रॉपी यूनिट सेल लेटिक्स एनर्जी एनएस्ट्रॉपी ठीक है इसके बारे में आपने बताना ये क्या चीज़ें होता है उसके बाद आपने बताना है यूजिंग द ली चांसलर प्रिंसिपल एक्सप्लेन द थ्री वे इन द यल ऑफ एस ओ थ्री कैन बी इंक्रीज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ठीक है तो आपने बताना है किस तरह से होता है इसके थ्री आपने बताने होंगे वेस बताने होंगे तरीकेकार बताने होंगे तो टू एस ओ टू प्लस टू ओ टू इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ एस ओ थ्री ठीक है जबकि डेल्टा एच क्या है नेगेटिव है उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है डाइट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फ्लोइंग सॉट ठीक है आपने सॉलबेटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन बताना है तमाम सॉल्ट के बारे में आगे चलते हैं डिफाइन द फ्लोइंग रिवर्सबल रिएक्शन और केमिकल इक्ल्यूबिरियम क्या होता है फिर उसके बाद लिखा हुआ है हाउ ग्राफाइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाई ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने ये भी बताना है उसके बाद लिखा हुआ है वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जबकि सी एल ओ थ्री इज डिकमोज ऑन हीटिंग एस फ्लो तो टू के सी एल ओ थ्री जब रिएक्ट किया तो क्या बना हमारे पास डिकम्पोज होकर के टू के सी एल प्लस बना तो so, आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है मास ऑफ के सी एल एंड वॉल्यूम ऑफ ओ टू फ्रॉम एट फॉर्म एट एस टी पी ठीक है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर फिर आपने क्या करना है ड्रॉ द मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ ओ टू मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड एंड बाउंड बॉर्डर ऑर्डर फिर आपने करना है डिफाइन एन प्लस वन रूल आपने है क्या होता है वॉट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच विच एल हमारे पास जीरो के हैं और वन के बराबर है ठीक है मेंशन करना है डिफेक्ट ऑफ बोहर टॉमिक मॉडल में क्या क्या आपके पास वोट हैं क्या बोलते हैं डिफेक्ट्स हैं वो बताना है डिसएडवांटेजेस भी बताना है द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी थियोरी ठीक है इसके अकॉर्डिंग आपने बताना होगा जबकि ए एल सी एल थ्री सी सी एल फोर पी एच थ्री और एच टू एस आपको गिवेन है उसके बाद लिखा हुआ था रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेज ए एंड बी इज़ वन पॉइंट फाइव रेशियो वन इफ़ द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ गैस ए इज सिक्सटीन फाइंड द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ गैस भी आपने मालूम करना है सेक्शन सी देख लेते हैं जिसको मैंने ऑलरेडी आपको क्या प्रोवाइड किया था मैंने प्रोवाइड किया था आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा है वो अपने चैनल और के अंदर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सवाल इसमें आए हुए हैं देखिए डिस्क्राइब करना है ल्यूज थ्योरी एंड एसिड एंड बेस राइट द एडवाटेजेस ऑफ थ्योरी ओवर द ल्यूज बॉस्ट्रेन थ्योरी मैंने ये भी प्रोवाइड किया है उसके बाद क्या 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 है द हाइड्रो ऑक्साइड कंसनट्रेशन इन एंटी सेफेक्टिक एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस इज टू पॉइंट 5 exponent minus 4.